अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक़्त आता रहता है। आप पर भी पहले अच्छा वक़्त था, पहले वो आपको बहुत अहमियत देता था। वो मतलब आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है। पहले आपको बहुत इज्जत देता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत आपकी कदर करता था, यानी कि बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी। लेकिन अब कुछ बुरा वक़्त है कि अब वो बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता है, बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करता है, ना टाइम देता है, ना कदर करता है, बिल्कुल ही इग्नोर ही करता जा रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि यार, ना मैं इधर कर रहा हूँ, ना मैं इधर कर रहा हूँ, बीच में फंस गया हूँ। तो दोस्तों, आपने टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ जिससे वो आपकी पहले की तरह कदर करना शुरू कर देगा, आपको पहले की तरह अहमियत देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही कमाल की है। इसमें सिर्फ मैं आपको ट्रिक की नहीं बताने वाला, बल्कि आपको साथ एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ जिससे आप अच्छी तरह इस ट्रिक को समझ पाएंगे और अप्लाई करके आप इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है और फुल ऑफ मोटिवेशन है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल का देना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं एग्जांपल नहीं देता तो आपको इस ट्रिक की समझ नहीं आएगी और आप इसको सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा, ये कहानी टाइप है जो कि आपको सारी ज़िंदगी याद रहने वाली है। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं इस एग्जाम्पल को। फ़र्ज़ करें कि आप अपना सूट खरीदने के लिए एक दुकानदार के पास जाते हैं, यानी कि कपड़े वाले के पास। वहाँ पर बहुत सारे सूट लगे होते हैं, कपड़े लगे होते हैं। आप उनमें से देखते हैं, एक पसंद करते हैं और कहते हैं, यार ये वाला निकाल दो, ये मुझे पसंद आ गया। जैसे वो आपको निकाल के देता है, पहले तो वो आपको बहुत अहमियत दे रहा होता है, जी कौन सा चाहिए, मैं ये वाला भी निकाल देता हूँ, ये वाला भी निकाल देता हूँ, ऐसे कर रहा होता है ना। जैसे ही आपके सामने रखता है, आप कपड़ा देखते हैं, हाथ लगा के चेक करते हैं, आपको पसंद आ जाता है, ये कलर भी अच्छा है यार, हाथ लगा के चेक किया, कपड़ा भी म्यारी लग रहा है मुझे, तो ये वाला मैं ले लेता हूँ, मुझे पसंद आ गया। आपके साथ अगर कोई है तो उसके साथ आप डिस्कस करेंगे, यार ये ना मुझे पसंद आ गए, मेरे पे ना वैसे सूट करेगा, यार इस पे ना दिल आ गया, यही ले लेते हैं। तो होता क्या है कि दुकानदार भी आपकी बातें, जाहिर बातें सुन रहा होता है। नहीं, अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप भी उसको बता देते हो बातों बातों में, यार ये मुझे पसंद आ गया, इस पे दिल आ गया, और भी हैं लेकिन अच्छा नहीं कोई लग रहा, यही मैंने लेना है। तो दोस्तों, जब दुकानदार को ये पता चलता है ना कि आपका इस पे दिल आ गया, तो एक बात मेरी याद रखना कि जब किसी चीज़ पे हमारा दिल आ जाता है ना, ऊपर से कोई उसकी और तारीफ कर दे तो हम पक्के हो जाते हैं कि बस यार अब तो यही लेना है, ऐसी चीज़ मुझे कहीं से मिलने वाली नहीं है। तो दुकानदार क्या करता है, ऊपर से थोड़ी तारीफ कर देता है कि ये वाला कपड़ा ना बड़ा म्यारी है, इसका कलर 5 साल नहीं जाने वाला, ये 5 साल फटेगा नहीं, ये ट्रेंडी है, ये अमीर लोग पहनते हैं, ये आपको इस ब्रांड का कहीं से नहीं मिलने वाला, मेरे पास बस एक ही पीस पड़ा था, इसकी कॉपी मिलती है, मेरे पास ये ओरिजिनल पड़ा है, आप ये ले लें, आपके कलर के साथ ये सूट करता है। तो हम और पक्के हो जाते हैं कि बस अब तो यही लेना है। तो दोस्तों, दुकानदार को भी पता होता है इस पे हमारा दिल आ गया, तो अब हम क्या कर रहे होते हैं कि कपड़े को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं कि ऐसा कपड़ा तो अब हमें कहीं मिलेगा ही नहीं, ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो अमीर लोग पहनते हैं, ये तो बड़ा म्यारी है, इसका कलर नहीं उतरने वाला है, अब यही ही लेना है, जितने का भी मिलेगा ये ही लेके जाएंगे। दुकानदार भी समझ आता है। तो होता क्या है कि और अगर कोई कस्टमर आते हैं तो वो उनको डील करना शुरू कर देता है, उसके जहन में होता है कि इसने ये लेके ही जाना है क्योंकि इसको पसंद आ गया है। अब मान लो, हो सकता है वो सूट 2000 रुपये का हो, लेकिन जब उसके माइंड में, शॉपकीपर के माइंड में ये होगा कि इसको पसंद आ गया, इसने अब पक्का लेना, ये तो पक्का है, तो आपको 3000 बताएगा। जो दुकानदारी करते हैं, वो डीलिंग जो करते हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। वो जब आपको 3000 रुपये बताएगा तो आप उसको कहोगे, यार 2500 कर लो, लेकिन वो नहीं करेगा। पहले जब आप आए थे तो बड़ी आपकी कदर कर रहा था, सर कौन सा दिखाऊं, सर ये देखें, सर वो देखें। जैसे ही आपका दिल आ गया, अब वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको अहमियत नहीं दे रहा। तो जब आप उसको कहते हो कि यार थोड़ा डिस्काउंट कर लो, 2500 रुपये का दे दो, तो आगे से कहता है, नहीं भाई ये तो ब्रांड का है, 1 रुपया भी कम नहीं होना है। तो जब कोई और कस्टमर आते हैं तो उनके साथ जब डील कर रहा होता है, हमारी सुनता ही नहीं है, तो उनके साथ डील करता रहता है। जब हम दोबारा उसको कहते हैं कि यार देख ले 2500 रुपये का हमें दे दे यार, तो आगे से कहता हो, भाई ओ बीबी बात सुन, ये एक ब्रांड का कपड़ा है, ये रेट कम नहीं होता, 3000 रुपये कह दिया ना, तो ये 3000 रुपये का ही है, अब 500 कह रहे हो, मैंने 100 रुपये भी नहीं छोड़ना, लेना है ठीक है, नहीं लेना तो दो, फौरन से ना लपेट के जहाँ पर रखा होता है वहाँ पर रखना होता है वहाँ पर रख देता है। तो हमें और ज़्यादा कशिश होती है कि यार ये वाला कपड़ा बहुत अच्छा है, पसंद आ गया, ये मैंने लेना ही लेना है, मैं क्या करूं, कैसे पैसे पूरे करूं। तो दोस्तों, होता क्या कि आप उसके कपड़े को, जो उसका कपड़ा दुकानदार को, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, जिसकी वजह से वो जो दुकानदार है आपको बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहा है, वो आपको
बोलने का उसका अंदाज भी बदल गया है और ये बार बार कह रहा है नहीं कम होने, यानी कि आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहा, कोई लिहाज नहीं कर रहा है। जब तक आप कपड़े को अहमियत देते रहेंगे उसके कपड़े को, तब तक आपकी कोई वहाँ पे इज्जत नहीं होगी, कोई आपको वो अहमियत नहीं देगा। जब आप उस कपड़े को अहमियत देना छोड़ देंगे, वो आपको अहमियत देना शुरू कर देगा। कैसे? जैसे कि आप वहाँ से उठ जाते हैं और कहते हैं यार ऐसा कपड़ा तो मुझे और भी मिल जाएगा कहीं पे, नहीं इसने देना तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही बहुत पसंद आ गया था, अब नहीं लेते, किसी और जगह से ले लेते हैं, वैसे भी ये 1500-2000 का मिल जाता है। तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे उसकी जान को बनेगी ये तो अब जा रहा है, तो पीछे से आपको इशारा करके भाई भाई बात सुन यार, इधर हो, कितने का कह रहे हो, चलो 2700 रुपये दे दो, 2600 दे दो, आपको कि नहीं यार 2500 का ही मैंने लेना, तो आपको हो 2500 रुपये का दे देगा। जब आपने उसको अहमियत देना बंद की उसके कपड़े को, तो दुकानदार ने आपको अहमियत देना शुरू कर दी, आपको फिर कहेगा कि नहीं यार ये तो आपका दिल आ गया था, तो मैंने कहा अब जाते हुए बेचारे कहाँ ढूंढते फिरेंगे, मैं दे देता हूँ, बस डीलिंग करेगा ना। तो दोस्तों अब इस एग्जांपल को हम फिट करते हैं अपनी सिचुएशन में, अपनी प्रॉब्लम में। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस एग्जाम्पल का मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना है और इसका कोई मकसद नहीं है, ताकि आपको ये ट्रिक समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम अपनी सिचुएशन में इस तरह फिट कर सकते हैं कि जब भी हम किसी इंसान को हद से ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो हमें अहमियत देना छोड़ देता है। जैसे कि हमने उसके कपड़े को ज़्यादा अहमियत दी तो वो और ज़्यादा चौड़ा हो गया, पता नहीं भारों में पड़ गया, वो बंदा हमें दे ही नहीं रहा था, ना डिस्काउंट कर रहा था, ना लिहाज कर रहा था, ना इज्जत दे रहा था, ना कदर कर रहा था, उल्टा उसका बोलने का अंदाज ही बदल गया था। तो जब हमने उसके कपड़े को अहमियत देना छोड़ी, वो हमें अहमियत देना शुरू हो गया। इसी तरह दोस्तों जब आप किसी को हद से ज़्यादा अहमियत देते हो, वो आपको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता, बिल्कुल इज्जत नहीं करता, बिल्कुल कदर नहीं, इग्नोर बिल्कुल करता है आपको, और आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। जब आप उसको अहमियत देना छोड़ देते हो तो वो इंसान आपको अहमियत देना शुरू कर देता है। दोस्तों ये ट्रिक है जो कि आपको मैंने एग्जांपल से समझाया, बहुत ही काम का, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को अहमियत ना दें, लोगों की कदर ना करें, करें लेकिन हद से ज्यादा ना करें। जब आप हद से ज्यादा करते हैं ये एक रूल टाइप है दोस्तों, ये बड़ा ही कमाल का ट्रिक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इससे वो दोबारा आपको अहमियत देना शुरू कर देगा और आपकी लाइफ पहले की तरह अच्छी गुजरना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इस ट्रिक के साथ साथ आप खुद को भी इंप्रूव करते रहिए, क्योंकि कोई भी इंसान उसी को ही अहमियत देता है जो दूसरों से अच्छा होता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो दोस्तों अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं है तो आपको क्यों अहमियत देगा, इसलिए अपने आप को इंप्रूव करते रहिए, अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करते रहिए। आप उसमें जो क्वालिटीज देखते हैं वो अपने अंदर आप क्वालिटी पैदा कीजिए, ताकि आप भी अपने आप को इंप्रूव करें। आप जब अपने आप को इंप्रूव करेंगे, आपके अंदर कुछ नजर आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अहमियत देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।